उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी क्रम में AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आज सिलसिलेवार दो ट्वीट किए और PM मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इस मामले को पूर्व मुगल शासक औरंगजेब से जोड़े जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी ने ट्वीट कर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि अगर इतिहास की बात करनी है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के असली मुद्दे को भटकाने के लिए हर बात पे औरंगजेब को घसीटा जा रहा है। अभी बड़ी बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि उस समय के मुगल शासक औरंगजेब ही हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार के मुखिया डॉक्टर कुलदीप तिवारी के ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़ने के लिए पूर्व मुगल शासक औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया है। तिवारी के मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसके अलावा 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को धसकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। वही ज्ञानवापी मामले पर ही ओवैसी ने अपने अन्य ट्वीट में लिखा कि मस्जिद कमेटी के अनुसार वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा था। अगर शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को ये बात बतानी चाहिए थी। इसके अलावा ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाल्लाह। ओवैसी ने कहा कि ये 1991 के पार्लियामेंट एक्ट का उल्लंघन है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इससे पहले सोमवार को जिला अदालत ने सील करने का आदेश दे दिया है। ये देश के मुसलमानों के साथ धोखा है। ओवैसी ने कहा कि जब ये देश संविधान से चल रहा है तो सत्ता पक्ष के साथ साथ कई संगठन मनमर्जी क्यों कर रहे हैं। 1991 में जब साफ हो गया था कि अब जो भी धार्मिक संरचनाएं हैं और वो यथास्थिति में रहेंगी तो आखिर उस एक्ट की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालत के आदेश पर हुए सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल का वीडियोग्राफी संरक्षण कराने के वाराणसी के एक सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। अपील दायर करने वाले संगठन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति का मुख्य तर्क यह है कि वाराणसी अदालत का आदेश जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को बरकरार रखा था वह पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। बहरहाल कोर्ट के सामने सर्वेक्षण वीडियोग्राफी रखने के बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बार फिर से देश में मंदिर मस्जिद को लेकर के माहौल गर्म है और इसमें तमाम सियासतदार अपनी सियासत भी करने लगे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।